कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा? बड़े बड़े सियासी पहलवान अखाड़े में उतरने को तैयार। नून लीग के कायद नवाज शरीफ लाहौर के हलका 130 से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वजीर आजम ने मानसहरा के हलके NA-15 से भी फॉर्म हासिल किए। शहबाज शरीफ NA-123, मरियम नवाज NA-119 से मुकाबला करेंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह के आबाई हलके 207 से कागजात वसूल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाड़काना के हलके NA-194 से मैदान में उतरेंगे। अलीम खान कौमी और सूबाई दोनों नशिस्तों पर मुकाबला करेंगे। NA-119, PP-149 और PP-150 से फॉर्म हासिल कर लिए। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल ने NA-242 से फॉर्म जमा कराया। PP रहनुमा सलीम मांडवी वाला ने NA-240 से फॉर्म हासिल किए। इसी हलके से PTI के मुजम्मिल असलम भी उम्मीदवार हैं। टैक्सला NA-54 में सरवर खान और चौधरी निसार के दरमियान मुकाबला मुतवक्के है। शेख राशिद शफीक ने अपने और शेख रशीद के NA-56-57 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। जहांगीर तरीन की साहिबजादी मेहर खान तरीन ने NA-155 लोधरा के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार PP-284 तौंसा शरीफ से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग ने राजा रियाज को फैसलाबाद से टिकट जारी कर दिया। राणा सनाउल्ला ने NA-100 से कागजात हासिल किए। आबिद शेर अली ने NA-102 से कागजात लिए। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी करेगा। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 3 जनवरी 2024 है। 10 जनवरी को अपीलों पर एपलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी करेगा। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। पोलिंग 8 फरवरी